नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषभ राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हार्ट। 3 PM वाली न्यूज अपडेट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब तक के कुछ मुख्य अपडेट्स के बारे में बात की जाए। सबसे पहला अपडेट आ रहा है किसान आंदोलन को लेकर। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। किसानों को रोकने के लिए सीमेंट ब्लॉक लगाकर कांटेदार तार बिछाए गए हैं और सड़कों पर कीले ठोक दी गई है। शनिवार को पुलिस ने फतेहाबाद के जाखल, रतिया व टोहाना के साथ लगती पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया है। जाखल में 4 बैरियरों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। टोहाना में 2 स्थानों के मार्ग को बैरिकेडेड कर दिया गया है और NH 148B को JCB की मदद से तोड़ दिया गया है। वहीं रतिया में ब्राह्मणवाला से रोजावाली के पास सेम नाले पर 7 लेयर के बैरिकेड लगाकर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। SP आस्था मोदी और टोहाना के SDM ने टोहाना में नाकों का निरीक्षण भी किया। जाखल में ट्रक चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आगामी आदेशों तक चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा के अन्य हिस्सों में न जाएं। DGP शत्रुजीत कपूर भी जिले में व्यवस्थाओं का जायजा लेने जा सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां आई है। इनमें से 2 को पंजाब से लगती सीमाओं पर लगा दिया गया है और 3 कंपनियों को रिजर्व रखा गया है। हालांकि फतेहाबाद से 2 किसान संगठनों ने इस कूच से मनाही की है, लेकिन अखिल भारतीय खेती बचाओ संघर्ष समिति ने ऐलान किया हुआ है कि वह दिल्ली कूच करेंगे। अगला अपडेट सामने आ रहा है बिहार से। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच आज एक वीडियो सुबह से खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो कहीं और से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के आवाज से वायरल हो रहा है। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में बहुमत साबित करने की जद्दोजहद के बीच तेजस्वी यादव और उनके विधायक काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव के साथ पूर्व सांसद और CM नीतीश कुमार के करीबी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और राजद विधायक के बेटे दिख रहे हैं। एक गायक भी है जो गीत गाता और गिटार बजाता दिख रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने शनिवार को बताया। उस बयान में उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार बार बयान देने की शिकायतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णन को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में प्रमोद कृष्णन ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की जमकर तारीफ की थी। वे 22 जनवरी को अयोध्या भी गए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग न लेने पर कांग्रेस की आलोचना की थी। आपको ये बता दिया जाए कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने 19 फरवरी को PM मोदी को कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में आने का न्योता दिया था। प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर मोदी के साथ अपनी फोटो शेयर की थी। इसके बाद वो 6 फरवरी को CM योगी से भी मिलने गए थे और उन्हें भी उन्होंने कल्की धाम में आने का न्योता दिया था। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच हो रही खटपट से शायद BJP को मिल सकता है फायदा। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है तो कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है। बैठकों और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कौन सी सीट किसकी होगी इसको लेकर भी बहस जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी काफी कुछ दिलचस्प देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राजनीतिक रूप से ध्यान खींचने के लिए संघर्ष कर रही है भाजपा। वही भाजपा अब अयोध्या में राम मंदिर और CAA जैसे भावनात्मक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। बता दें, भाजपा ने बंगाल से 42 लोकसभा सीटों में से 35 हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस के आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले से भाजपा की रणनीति को बल मिला है। इस कदम ने TMC विरोधी वोटों को मजबूत करने की भगवा खेमे के भीतर उम्मीदें बढ़ा दी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद का ये बयान आया सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने 400 पार का ये आंकड़ा क्रॉस कर लिया तो उसके लिए इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे लोग जिम्मेदार होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा यदि 400 सीटों का आंकड़ा पार कर जाती है, इसके जिम्मेदार इंडिया गठबंधन के वो नेता होंगे जो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। 10 फरवरी को जम्मू के बाहरी इलाके प्रगवाल में गुलाम नबी आजाद बैठक के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो बता सकूं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी। ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार इंडिया ब्लॉक ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ना तो कांग्रेस के करीब हूं और ना ही BJP के। अगर BJP कुछ भी गलत कर रही है तो मैं उसकी आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति रहूंगा। इसी तरह कांग्रेस भी अगर कुछ सही कर रही है तो मैं उनकी तारीफ भी करूंगा। 9 फरवरी को जम्मू के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि NDA इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। इस पर नबी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, उन्हें शायद अपनी पुरानी वफादारी याद आ रही होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंडर-19 फाइनल्स खेले जाएंगे आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेला जा रहा है और कुछ ही देर में आज ये साबित हो जाएगा कि बॉयज इन ब्लू या फिर बॉयज इन येलो इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाएंगे। आपको इससे पहले बता दिया जाए कि इंडिया की अंडर-19 टीम ने 5 बार अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल्स को जीता है। वो साल है 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में क्या 6वीं बार भारत इस ट्रॉफी को उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। तो चलिए, इसी के साथ ये थे अब तक के कुछ मेजर न्यूज अपडेट्स। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं।
देखते रहिए खबर हार्ट ताकि हम आपको इसी तरह से अपडेटेड रख सकें। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राजपूत, धन्यवाद।